हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेड सो लेट्स गेट स्टार्टेड लेड उसको एक्सरे रेडिएशन से बचने के लिए रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को लेड अप्रेन वेयर करना होता है और ये लेड का बना हुआ होता है लेड रबर फॉर्म में होता है इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है इसका एटॉमिक नंबर हाई होने की वजह से ये एक्सरेज को पेनिट्रेट करने से रोकता है इसमें लेड की थिकनेस 0.25 से 0.5 फाइव mm एम एम की होती है और ये ऑलमोस्ट बॉडी पार्ट को स्केटर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है एक्सेप्ट नेक अपर लिम और लोअर लेग को छोड़कर दैट मीन्स कि नेक अपर लिम और लोअर लेग को छोड़कर ये ऑलमोस्ट बॉडी पार्ट को स्केटर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है आजकल लेड एप्रेन न्यू डिजाइन में आया है जिसको स्कर्ट वेस्ट एप्रेन बोलती हैं जिसका वेट हिप्स और शोल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेड ऐप्रेन को हमेशा हैंगिंग पोजीशन में रखना चाहिए क्योंकि इसमें लेड रबर फॉर्म में होता है और इसको फोल्ड करने के बाद इसमें क्रैक्स पड़ सकते हैं रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट जब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है तब उनकी बॉडी में बहुत कम रेडिएशन मीन्स की लो डोज रेडिएशन जाने की पॉसिबिलिटी होती है तो उस लो डोज रेडिएशन से बचने के लिए लेड रेड एप्रेन का यूज करते हैं हर इंडिविजुअल पर्सन को दैट मीन्स कि हर रेडिएशन वर्कर को जो रेडिएशन फील्ड में काम करते हैं उनको एक्सरे ट्यूब ऑपरेट करते टाइम लेड एप्रेन वेयर करना चाहिए लेड एप्रेन रेडिएशन वर्कर को ओनली सेकेंडरी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है प्राइमरी रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं करता है इसीलिए लेड एप्रेन को एज अ सेकेंडरी वेरियर क्लासीफाइड किया गया है इसके बाद है एटिनोवेशन ऑफर्ड बाय लेड एप्रेन एटेनोवेशन मीन होता है इंटेंसिटी बीम अगर लेड में लेड की थिकनेस 0.25 पॉइंट फाइव mm एम एम होगी तो वो नाइन्टी फाइव ऐसी नाइन परसेंट रेडियशन को ब्लॉक करेगा इसीलिए ज्यादातर लेड में लेड की थिकनेस जीरो पॉइंट फाइव एम एम ही होती है